गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, क्लास 11, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंदर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज कर ली है, और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है पोर्शन। और अब ये बात हमने मिसलेनियस का जो पिछला वीडियो था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तक कर लिया था, अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, तो लेट कर लेते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेट Z1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या बताई थी मैंने, ए प्लस आइटा बी, तो यहाँ Z1 आ गया, तो A1 प्लस आइटा B1। आप चाहो तो X प्लस वाई भी ले सकते हैं, तो अगर आप कहेंगे तो X1 प्लस आइटा Y1 भी हम ले सकते थे यहाँ पे। और Z2 जो है, Z2 को लिख दिया हमने A2 प्लस आइटा B2। ओके, तो स्टूडेंट अब क्या करें हम इसमें, जो A1 है रियल पार्ट और B1 क्या है इमेजिनरी, यहाँ पे A2 क्या है रियल पार्ट और B2 क्या है इमेजिनरी, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट ऑफ Z1। देखिए क्या लिखा मैंने, आर ई मीन्स रियल पार्ट ऑफ Z1। Z1 का रियल पार्ट क्या है A1, और इमेजिनरी पार्ट आई एम मीन्स इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है B1, रियल पार्ट ऑफ Z2 A2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू B2। तो स्टूडेंट ये जो लिखा है, ये मेरी जो मैंने लिखा है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये हमें प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये था टू प्रूव, कैसे करेंगे सुनिए। हमने क्या किया कि Z1 इंटू Z2 की मल्टीप्लाई करते चलते हैं। आप कहेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें Z1 इंटू Z2 की मल्टीप्लाई का क्या लेना है, रियल पार्ट लेना है। तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, Z1 इंटू Z2 A1 प्लस आयता B1 इंटू A2 प्लस आयता B2 करो मल्टीप्लाई, A1 A2 प्लस आयता A1 B2 प्लस आयता B1 A2 प्लस आयता इंटू आयता आयता स्क्वायर B1 B2, ये हो गई। अब क्या करेंगे, आयता स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब हम आयता की वैल्यू अलग कर लेते हैं, बिना आयता वाली अलग कर लेते हैं, तो A1 A2 माइनस B1 B2, ये पता है कहाँ से है, यहाँ से है, क्लियर स्टूडेंट, आयता स्क्वायर की वैल्यू -1। इन दोनों में से हमने क्या किया, आयता कॉमन ले लिया, प्लस आयता कॉमन लिया तो क्या आ गया A1 B2 प्लस B1 A2, ये आ गई हमारी Z1 इंटू Z2 की मल्टीप्लाई आ गई स्टूडेंट। अब Z1 इंटू Z2 का ये तो रियल पार्ट, और ये क्या पार्ट है इमेजिनरी, हमें कौन सा चाहिए रियल पार्ट, तो अब करते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या है, A1 A2 माइनस B1 B2 क्या है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, A1 की वैल्यू क्या है, A2 की क्या है, B1 की, B2 की, हमारे पास गिवन है, तो A1 की वैल्यू क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू A2 की, A2 की वैल्यू क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, उन्होंने कहा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको एज्यूम कर लिया, एज्यूम करने के बाद क्या किया, उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। फिर जो प्रूव करना था उसके लिए हमने क्या किया, Z1 इंटू Z2 की मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रियल और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, तो फिर हमने Z1 Z2 की जो रियल पार्ट था वो ले लिया है, रियल पार्ट
लेने के बाद उनकी वैल्यूज पुट कर दी, ए वन ए टू और बी वन बी टू की वैल्यू पुट करने के बाद जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है तो मैं इसको कर देता हूँ सिंप्लीफाई। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या है, रिड्यूस 1/1 - 4 आइटा माइनस वेट माइनस 2/1 + आइटा इंटू 3 - 4 आइटा / 5 + आइटा। ये इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है कि a प्लस आइटा b, a प्लस मीन्स रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में इसको लेके आना है। कैसे लाएंगे, पहले इन दोनों का सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करके फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए 1 - 4 आइटा × 1 + आइटा हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ओके चेक कर लेते हैं, 1 - 4 आइटा 1 + आइटा। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा देखो कभी भी 2/3 + 4/5 एलसीएम लेना स्टूडेंट, तो कैसे लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 * 10 + 4 = 12 ऑलवेज मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे आगे। ठीक है तो 1 + 5 - 2 - 1 - 4 आइटा × 3 - 4 आइटा / 5 + आइटा। अब मल्टीप्लाई नीचे वालों में मल्टीप्लाई की तो क्या है, 1 + आइटा − 4 आइटा − 4 आइटा² ऊपर क्या आ गया, 1 + आयोटा − 2 + 8 आयोटा 1 + आयोटा − 2 + 8 आयोटा 3 - 4 आयोटा / 5 + आयोटा। यहां से क्या आया, माइनस का 1 और प्लस का 9 आयोटा। यहां से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 तो ये क्या हो गया प्लस 5, 5 + 1 क्या हो गया 6। ओके और माइनस का 3 आइटा। एक बार वापिस चेक करते हैं स्टूडेंट, 1 + आइटा − 4 आइटा − 4 आइटा² ओके तो माइनस का 4 क्या होता है, माइनस का 4 प्लस का 4 हो गया प्लस 4 यहां आएगा 5, तो प्लस का 4 और प्लस का 1 5 और माइनस का 3 आइटा और 1 - 1 और + 9 आइटा × 3 - 4 आइटा / 5 + आइटा। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 + 5 आइटा − 15 आइटा और − 3 आइटा² न्यूमिरेटर में क्या आएगा, −3 + 4 आइटा + 27 आइटा और − 36 आइटा². देखिए नेक्स्ट, यहां पे क्या होगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो यहां हो गया प्लस का 36, 36 - 3 = 33 प्लस का 31 आइटा। अपॉन आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 तो प्लस का 3 हो गया, 25 + 3 = 28 + 20 आइटा। ये आ गया स्टूडेंट,
ये आने के बाद अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। रेशनलाइज के लिए क्या करना है, 28 माइनस 20 आयोटा अपॉन में 28 माइनस 20 आयोटा, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब 33 इंटू 28 924 माइनस 660 आयोटा प्लस 31 868 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 28 का स्क्वायर सेवन एटी फोर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 400 आयोटा स्क्वायर। अब क्या आ रहा है यहां से, ये क्या हो गया, प्लस का 620, तो 924 प्लस 620 कितना हो गया, 4 4 1544। ओके प्लस इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दे तो 802 आयोटा अपॉन, यहां से सबट्रैक्ट किया तो क्या आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, तो प्लस हो गया, प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 4 8 11। ओके अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, चेक कर लेते, टू कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो टू कॉमन लिया तो क्या आ गया, 2 से भी ज्यादा कुछ आ रहा है क्या, 4 आ रहा है, टू ही ले लेते हैं एक बार, इसको कैंसिल करेंगे तो याद, तो 772 प्लस 104 आयोटा अपॉन 592, इसको और कैंसिल करें तो आप कर सकते हैं, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट कुछ थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक हुई है, हम चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है, कि एक बार यहां तक आ गए 33, 36 प्लस हो गया और 31 आयोटा अपॉन में 28 प्लस 20 आयोटा, यहाँ है गड़बड़, यहाँ पे माइनस 15 आयोटा था, माइनस का 15 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ आएगा माइनस का 10 प्लस का, यहाँ आ गया माइनस का 10 आयोटा, ये है गड़बड़ स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 10 और प्लस का 10, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, तो मैं इसी में करेक्शन कर देता हूँ, 33 ये ठीक है, इसकी इससे की तो 310 310 आयोटा, और इसकी 330 आयोटा, ओके 31 की से की तो ये आ गया, 31 की से की तो 310 आयोटा स्क्वायर अपॉन में 28 और 1000, ये ठीक है। अब 924 प्लस 310 तो 4 312,
सिंबल चेक कर लेते हैं, सारे प्लस आएंगे, सारे प्लस हैं, और नीचे ये नीचे ठीक है, ये प्लस होगा। ओके तो 924 प्लस होगा तो कितना आया, माइनस हो जाएगा 4 1 6 1 4, और ये कितना आया, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हुआ 8 9 11 98, और अपॉन में कितना आ गया, प्लस हो जाएगा 8 8 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब लिया टू कॉमन, टू कॉमन लिया तो कितना आ गया 207 प्लस 442। तो स्टूडेंट ये हो गया कैलकुलेशन हमारी। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी कि हमने पॉजिटिव कर लिया था, पॉजिटिव करने से वहां पे हमारा माइनस प्लस का डिफरेंस आ गया था। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, फिर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो स्टूडेंट है फिफ्थ में करना नहीं है, फोर्थ में कराऊंगा, सिक्स सेवन एट नाइन्थ ये आपको करने हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर मैं करवा देता हूं आपको, ये 13 में क्या करना, मॉडुलस फाइंड करना। मॉडुलस तो आप कर लेंगे, आर्गुमेंट आपको फाइंड नहीं करना है, क्योंकि आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक बार फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आइटा बी अपॉन ए प्लस आइटा डी। ये हमें गिवन दिया है, प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये देखिए अब इसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम क्या करें, दोनों साइडों में कॉन्जुगेट कर देते हैं, कॉन्जुगेट, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। कैसे होगा, x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस सी माइनस आइटा डी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी प्लस आइटा डी। क्लियर स्टूडेंट, अब ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, मल्टीप्लाई वन एंड टू, वन और टू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई x माइनस आइटा वाई इंटू एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आइटा बी अपॉन सी माइनस आइटा डी इंटू अंडर रूट ए प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी। देखिए अब क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अलग अलग रूट में तो एक ही रूट में आ जाएंगे, a माइनस आइटा बी ए प्लस आइटा बी अपॉन सी माइनस आइटा डी सी प्लस आइटा डी। क्लियर स्टूडेंट, अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस वन, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एंड स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमें प्रूव करना था, तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, कॉन्जुगेट कर दिया बोथ साइड्स। कॉन्जुगेट करने के बाद क्या होगी, फर्स्ट और दोनों इक्वेशनों की मल्टीप्लाई कर दे, तो लेफ्ट लेफ्ट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट राइट की मल्टीप्लाई। करने के बाद हमने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करके और दोनों साइडों में स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद जो प्रूव करना था वो हमारा आ गया स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।